हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू चांदनी चौक दिल्ली, सो लेट्स चेक आउट। हम लोग बेसमेंट में आ चुके हैं और चांदनी चौक जा रहे हैं। प्लान तो अभी तक यही है, बाकी आगे हो सकता है चेंज हो जाए। लेट्स सेट। तो ये रहे फैसल, ये गाड़ी में आ चुके हैं और हम लोग जाने के लिए तैयार। ये हमारी सोसाइटी का एंट्रेंस एंड एग्जिट और हम जाएंगे रॉन्ग साइड अभी यहाँ से जाने के लिए। हम घर से निकलते ही आ चुके हैं दिल्ली नोएडा हाईवे पे और ये रोड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रोड ऑन दिस वे, क्योंकि इस रोड पे आते ही गाड़ी हवा से बात करती है। रास्ते में हमें मिल चुका है बर्ड्स फीडिंग पॉइंट, तो क्यों ना कुछ देर यहाँ पे रुका जाए और थोड़ा सा सवाब कमा लिया जाए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। परिंदों को खिलाना पिलाना बहुत ही सवाब का काम है, तो अल्लाह हमें और आपको तौफीक अता फरमाए कि जहाँ भी हो सके सवाब कमाने की कोशिश करते रहें। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, दिल को सुकून सा मिला। चलिए अब वक्त भी काफ़ी हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं चांदनी चौक और यहाँ पार्किंग में हम गाड़ी लगा रहे हैं। आधे घंटे से फंसे हैं हम यहाँ पे और अब तक हमारी गाड़ी पार्क नहीं हो पाई है और लग भी नहीं रहा कि आज हो पाएगी। ये MCD की पार्किंग है, यहाँ पे हमें जगह मिल गई। काफ़ी अच्छा स्टाफ है, हेल्पफुल है, गाड़ी लगवा देते हैं यहाँ आसानी से। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, वो सामने देख सकते हैं आप, रेड फोर्ट की दीवार दिख रही है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक, यहाँ का रशा देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, आज वैसे भी संडे का दिन है, दिन बिल्कुल नहीं कर रही। गाइस हम पहुंच चुके हैं मेन चांदनी चौक। ये रहा आपका SBI, वो सामने गुरुद्वारा नजर आ रहा है, ईशगंज मैकडोनल्ड्स। काफ़ी चहल पहल, काफ़ी रौनक है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सब तरफ मार्केट ही मार्केट है। यहाँ पे आप रिक्शा ले सकते हैं या पैदल वॉक कर सकते हैं। पैदल ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे आपको चलते हुए। अब हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक की मशहूर पराठे वाली गली और भूख भी बहुत जोरदार लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे और गली खचाखच भरी हुई है। एक वो भी है, नहीं इस वाले पे खाए थे मैंने लास्ट वाले, जब मैं शिव गया पर साथ और शिफा और फैसल खड़े हुए लाइन लाइन वहाँ तक।
काफी देर 15 से 20 मिनट मान लीजिए वेट करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी सीट मिल चुकी है। पहले हमने आलू पराठा सर्व करवाया है यहाँ पे विद लस्सी, इसके बाद पनीर पराठे लग रहे हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या मंगाना है और खाने के बाद हम देते हैं फीडबैक। देख सकते हैं क्या क्या है, आलू मटर की सब्जी, हरी चटनी, आलू की कोई सूखी सब्जी है, आलू की सब्जी है, ये कद्दू है और ये केले कुछ मीठी सॉल्ट में पड़े हुए हैं और इट इज टेस्टी। जब हम निकले हैं पराठा वाले की गली से पराठा खा के और अब हमने लिया है यहाँ पे ई रिक्शा और जामा मस्जिद पहुँचने के लिए, उसके बाद देखते हैं वहाँ पे क्या करते हैं। ये है मीना बाजार और यहाँ हमेशा ही इतना रश रहता है। सला को मैंने अपने कंधों पे बैठा लिया है सला की सेफ्टी के लिए। पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद, बहुत शानदार खुशबूएं उठ रही हैं यहाँ से। दिल्ली 6 का दिल माना जाता है ये इलाका। यहाँ के रेस्टोरेंट्स दुनिया भर में मशहूर हैं अपने ऑथेंटिक टेस्ट्स के लिए, जिसमें से मेरा फेवरेट है असलम चिकन टिक्का और कुरैशी के कबाब, और भी यहाँ पे खाने की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी शॉप्स हैं। हम यहाँ से लौट रहे हैं, हमने फिर से रिक्शा लिया, सल्लू वापस सो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। Now we are going back to our home. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा।